For more videos, please subscribe, like and share. इंदिरा एकादशी आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जानते हैं। ये एकादशी पितृ पक्ष के दौरान पड़ती है। इस साल इंदिरा एकादशी 2 अक्टूबर को पड़ेगी। धार्मिक दृष्टि से आश्विन महीना काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। कहते हैं इस दिन व्रत कथा सुनना पुण्यकारी होता है। इस दिन व्रत रखने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इंदिरा एकादशी के दिन व्रत कथा सुनना जरूरी होता है, वरना व्रत अधूरा रह जाता है। इंदिरा एकादशी शुभ मुहूर्त क्या है? इस बार इंदिरा एकादशी के शुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 अक्टूबर 2021 को 11:03 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 2 अक्टूबर 2021 को 11:10 पर, रात्रि 11:10 पर। इंदिरा एकादशी पारण का जो समय रहेगा वो होगा 3 अक्टूबर 2021 को 6:15 सुबह से 8:37 सुबह। आइए अब सुनते हैं इंदिरा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में महिष्मति नाम का एक नगर था। इस नगर का राजा इंद्रसेन था, जो कि बहुत ही प्रतापी था। राजा अपनी प्रजा का पालन पोषण अपनी संतान की तरह ही करता था। इंद्रसेन के राज में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु का बहुत बड़ा उपासक था। एक दिन अचानक राजा इंद्रसेन की सभा में नारद मुनि का आगमन हुआ। नारद वहां राजा के पिता का संदेश लेकर पहुंचे थे। राजा के पिता ने इंद्रसेन को संदेश भेजा कि पिछली जन्म में किसी भूल के कारण वह यमलोक में ही है। उन्हें यमलोक से मुक्ति के लिए उनके पुत्र को इंदिरा एकादशी का व्रत रखना होगा, ताकि उन्हें मोक्ष मिल सके। पिता का ये संदेश सुनकर राजा इंद्रसेन ने नारद जी से इंदिरा एकादशी के बारे में बताने को कहा। तब नारद जी ने कहा कि यह एकादशी आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ती है। एकादशी से पूर्व दशमी के दिन पितरों का श्राद्ध करने के बाद एकादशी का व्रत का संकल्प लें। द्वादशी के दिन स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद ही अपना व्रत खोलें। इस तरह से व्रत रखने पर तुम्हारे पिता को मोक्ष की प्राप्ति होगी और उन्हें भगवान श्री हरि के चरणों में जगह मिलेगी। नारद मुनि के बताए अनुसार राजा इंद्रसेन ने इंदिरा एकादशी का व्रत रखा, जिसके पुण्य से उनके पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई और वे वैकुंठ चले गए। इंदिरा एकादशी के पुण्य के प्रभाव से राजा इंद्रसेन को भी मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति हुई। तो इस तरह से इंदिरा एकादशी रखने पर हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति मिलती है।